क्लियर करती है। ठीक हो गई बात ये। तो डिस्क्राइबिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल एनालाइजिंग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स वी विल फॉलो द सेम स्ट्रेटजी वी यूज विद द क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो आपके पास वही डाटा जो कि आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव डाटा में भी हमने एग्जाम्पल ली 0, 1, 2, 3। अगर आप 3 हेड्स ऑब्टेन करना चाहते हैं या अगर आप जो है 4 हेड्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स जो डिफाइन होता है उसमें वैल्यूज क्या बनते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4 बन जाती है। तो आप उसको शेप से भी शो कर सकते हैं, उसकी अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो उसकी शेप भी बन सकती है, उसका मीन भी निकाल सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं और इसी तरह से उसका वेरिएंस वगैरह जो है वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम जो है एक सिंपल सी मैंने कोई स्कोर लिए किसी मैचेस के, ये जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं उनके स्कोर्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाई है। तो उसको ज़रा आप लोग डीपली ज़रा देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बात करने की कोशिश की गई है। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास टॉपिक है, ये वो वाला टॉपिक हमारे पास है।